टेंसेस के तालुक से हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। टेंसेस जो है तो इंग्लिश की बैकबोन होती है, और इसके बगैर मतलब इंग्लिश अगर आपको बोलना है तो मेन फोकस टेंसेस होता है। तो टेंसेस में हम देखेंगे टेंसेस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो ये है टेंसेस, इसमें थ्री टाइप्स होते हैं टेंसेस के। पहला है पास्ट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस मतलब भविष्य काल, काल जमाना, तो जमाना है माजी, पिछला, भविष्य काल, वर्तमान काल यानी जमाना है हाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, या फिर जमाना है मुस्तकबिल। तो ये तीन चीजों पर डिपेंड होते हैं टेंसेस, जिसमें हर एक टेंसेस में चार और टाइप्स होते हैं। मतलब अगर आपको टेंसेस सीखना ही है तो इतना आसान नहीं है। 1 2 3, हर एक में चार। चार कौन से हैं? सिंपल पास्ट टेंस, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिख देंगे। पहला रहेगा सिंपल, जिसमें सब में सिंपल लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इस तरह। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर दूसरा क्या आ रहा है? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। दूसरे में पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आएगा पास्ट या फिर प्रेजेंट, उसमें जो भी नाम लगाना है आपको, तो परफेक्ट टेंस। परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट टेंस। और चौथा रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम अच्छे से लिख देंगे एक मरतबा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पास्ट टेंस अगर आप लिखने जा रहे हो, ये तो आपने तीन जैसे ड्रॉ कर ही लिए होंगे। तो अब हम देखेंगे पास्ट टेंस, तो ये हो गया वन, उसका सब पार्ट, इसी का कॉलन लगा दिया उसको, सब पार्ट। सिंपल पास्ट टेंस, उसका नाम क्या रहेगा? सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये यहीं पे खत्म नहीं हो जाती बात। फर्स्ट में के फोर टाइप्स आपने देखे, अब हर टाइप में 3 to 4 अलग अलग टाइप्स है। जैसे अगर सिंपल पास्ट टेंस, इसकी अगर मिसालें लिए, या फिर प्रेजेंट की अगर लेते हैं, तो इसमें चार ऑप्शन और जुड़ जाएंगे। इसको सपोज कीजिए हमने कंसीडर किए, अगर हम प्रेजेंट में कहते हैं कि आई गो, मतलब मैं जाता, तो उसका उल्टा गो का वेंट हो जाता है, आई वेंट, मैं गया था।
जिसमें सिंपल पास्ट टेंस में हो जाता है कि आई वेंट, मैं गया था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब आएगा तो उसके साथ में जो लगेगा कंटिन्यू था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। आई वॉज गोइंग, वॉज लग जाएगा उसमें, प्रेजेंट रहेगा तो उसमें अलग लगेगा। इस तरह से चीजों को समझना रहेगा पहले, लेकिन आपको इसको लिख के रखना है क्योंकि हम इसको एक एक चीज के अंदर जाकर पहले आने वाले रहेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, हमने तरतीब से तो पास्ट का देखा, लेकिन हमको शुरुआत करेंगे हम प्रेजेंट से, जिसमें आपको और जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए फोटो। अब उसके बाद में जो उसके टाइप्स रहते हैं उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। अब सपोज हमने ये भी इरेज कर देते हैं और देखेंगे कि उसके कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले उसको ए नाम दे देंगे। एक होता है सिंपल पास्ट टेंस में एक पॉजिटिव सेंटेंसेस के टाइप्स रहते हैं, जैसे कि पॉजिटिव या फिर सिंपल सिंपल सेंटेंस। पॉजिटिव में क्या रहेगा कि आई वेंट, मैं मतलब गया था, आई गो, मैं जाता हूं। लेकिन एक होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इंपेरेटिव असर्टिव निगेटिव। एक होता है निगेटिव, निगेटिव में क्या आएगा, आई डोंट गो, नहीं गया था मैं, निगेटिव इस्तेमाल होगा, नहीं आई डोंट गो। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क टाइप में सवाल है, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, वेयर कहाँ पर, इस तरह से। फिर उसी तरह से अफर्मेटिव आता है, अफर्मेटिव। फिफ्थ वाला इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव मतलब हुक्म देना, वहां जाओ, वहां पर करो। अफर्मेटिव यानी क्या, सिर्फ एक जवाब या जवाब देने में, यस नो या फिर जो भी हो सकता है, यस आई डू, यस नो। हाँ, और सिंपल में तो सिंपल में भी हाँ या ना में इसमें आता है, और ये जवाबिया में जवाब देने में लेंदी। तो ये दो तीन पांच तरह के होते हैं, इसको ई कर देना रहेगा ई। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव इंपेरेटिव। तो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हमें देखना रहेगा। थैंक यू।